खड़क पे भेजे खड़क घबराई नहीं ना एकदम शांत रहो बस नहीं शादी करने का, इसलिए मैं शादी करने नहीं आया। कौन पसंद नहीं है? लड़की मैं दूसरा जगह शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो कौन पसंद नहीं है? मैं अपने पसंद से शादी करूँगा। कहीं लड़की देखे थे अपना? प्रेम करते हैं कहीं? किससे? वहीं पे है। पहले से आप लोग का चल रहा है उसमें प्रेम प्रसंग? तो अपने पिताजी को, घर वाले को नहीं बताए थे कि हम उससे शादी नहीं करेंगे? क्यों, तिलक चढ़ाइए अब? इसलिए नहीं बताए कि डांटने मारने लगेंगे इसीलिए। तो उस जब वो तिलक चढ़ने आया था आपका, या तय तय पर हो रहा था, तो उस वक्त कुछ नहीं किए? कहे नहीं उस दिन? तो लड़की उस दिन तो उठ गए थे तिलक के दिन। अच्छा, तो जबरदस्ती किया गया लग? तिलक हम नहीं चाहेंगे। तब वो परिवार जबरदस्ती से करवा दिया? बोलिए, जबरदस्ती हो रहा है। अब क्या कीजिएगा? अब तो लड़के का अभी शादी नहीं हुआ। शादी हम ठीक करने नटवार में राम सूरत के पास। अच्छा, सब ठीक ठाक हो गए, तिलक उलक सब से हो गए, मतलब कि शक्ति के अनुसार हम ज्यादा लड़नी यहू से अच्छा से आई हैं, अच्छा से हमरो द्वार पर आके स्वागत करी हैं। लेकिन सब कुछ भइल आ ए जो सब तैयारी भइल, आइल लो तो 12 बजे के बादे आइल लो, या फोन लागत रहे कि आवत नहीं तो वो 12 बजे गई। एक बाद में आइल लो तो धत पथर दरवाजा लगावल गई, गांव घर सब जुटल रहे। एक बाद में गांव घर सब लोग कहल कि दरवाजा लाग गई। एक बाद में विजय करा दा, सब खाना भी नुकसान हो जाई। एक बाद खाई के भोर हो जाई, सब कोई के खाना खियावल गई। एक बाद वहाँ के कहा कि चलिए गुरहाथी कर जाओ, चले विजय होता, बारातों अपन खाए लागल, भौजी को खाए लागल। एक बाद में गुरहाथी के बाद में ओहू लोग के खिया देवल गई। एक बाद में लड़का के गेल समय में आदमी ले आवे खातिर, नाव जो बारन ठाकुर गेले ले आवे। एक बाद वजह से लड़का नाकुर नुकुर करत रहे कि हम शादी करे ना जाए। एक बाद में कोट पार्ट के सब अथी माड़म तक ले आवल गई, माड़म ही तक ले ना कल शादी। एक बाद भोर हो गई, बिहान हो गई। एक बाद जब सिंदूरदान के वक्त है तो सिंदूरदान में सिंदूरदान के लिए कहा था कि हम भौजाई के छोड़ के इनके पास हम ना जाए, हमारा उनका से प्रेम बा। हाँ, भौजाई के साथ ये हुआ था कि बरात सब रेडी था, हम लोग का निमंत्रण था, यहाँ हम लोग आए थे यहाँ मसाज से आने के बाद दुआरे बरात गप लगा। उसके बाद दुआरे बारात लगा के हम लोग इज्जत किए, नाश्ता पानी सब कराए। उसके बाद थोड़ा देर बाद विजय उजय करा दिए, गुरहती होना चालू हुआ, गुरहती भी हो गया। वो लड़का आला कुछ लेके नहीं आए थे, उसके बाद नहीं लेके आए थे, तब भी हम लोग बोले कि चलिए जाने दीजिए, शादी ब्याह कर दिया जाए। उसके बाद 4 तारीख के तिलक था, ये 5वां महीना 4 तारीख के 10 के बारात था। उसके बाद हम लोग गुरहती के बाद लड़का बोलता है कि हम नहीं, हम भाभी के साथ रहते हैं, हम शादी करना नहीं चाहते। तो यदि ये चीज 15 दिन 20 दिन पहले वो बोल देता तो ये चीज झमेला नहीं होता। मारो सारो सब गड़ा आ गया, पुरोजन आ गया, 50 गांव के परिवार आ गया यहाँ, तो गांव के सामने तो बेइज्जती हुआ नहीं है कि दलित परिवार से रहने वाले। अब क्या किए हैं आप लोग? उसके बाद लड़का पे, लड़का के भाई है, लड़का के पिताजी है, वो लोग का हम बोले कि आ जाने दीजिए थाना, थाना अभी तक नहीं आया। तो हम मीडिया के बुलवाए यहाँ कि मतलब देखा जाए कि क्या क्या हुआ है, तो पूरा समाज यहाँ इतना तो सब भरा हुआ है।
तिलक भी जितना जो बोले जाओ हम लोग सब दे दिए उनको, टोटल चीज दे दिए। ना कि हम बोलते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते, हम भाभी के साथ रहो। इसके पहले नहीं कहा था कि हम भाभी के साथ ना, ये नहीं बोले थे। अच्छा, हाँ ये कुछ नहीं बोले थे। हम जब लोग हम लोग जान जाते कि भाभी के साथ रहेगा तो हम लोग शादी क्यों करते उसके साथ। तिलक भी चढ़ा लिया, वही घर नहीं। लड़की एकदम उनसे अच्छा है, है? तो उसके बाद इतना लड़का वाला बेइज्जती कर दिया।